ये आज का प्रोडक्ट हम इसको देखेंगे, और ये है HDMI केबल या कंप्यूटर केबल भी कह सकते इसे। और ये जो नाम है हनीकॉम 2.0V, और ये इसमें लिखा है 24K गोल्डन प्लेटेड, 2160P अल्ट्रा HD, 4K अल्ट्रा HD और कॉपर 3M, मतलब 3 3 मीटर का है। और ये पैकेजिंग अच्छी है, ये जिप लॉक है, मतलब आप इसको फिर से अंदर करके रख सकते हैं। और पहले इसके पीछे वाला जो देखेंगे इसका स्पेसिफिकेशन क्या है। ये हनी कॉम लिखा है ऊपर, हाई स्पीड ट्रांसमिशन, हाई क्वालिटी डेफिनेशन, 4K कंप्यूटर केबल, और VGA वर्क विथ कंप्यूटर टू डिस्प्ले प्रोजेक्टर, DVR मॉनिटर, VGA स्प्लिटर, HDTV वर्क विथ PS3 DVD रिसीवर, सैटेलाइट TV। और इसका जो स्पेसिफिकेशन है एकदम माइन्यूट लिखा है, बारीक, एकदम हम छोटे से वर्ड्स में लिखा है। इसमें पढ़ने के लिए देखिए, प्लग एंड प्ले सेफ एंड कन्वीनियंट, आवर कस्टम मेड केबल्स आर डिजाइन टू गारंटी हाई क्वालिटी रिजल्ट एंड ड्यूरेबिलिटी फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन, आवर ऑल केबल्स हैव इनसाइड विथ शेल्डिंग, ड्रेन लाइन इज अ मस्ट फॉर ईच आइटम। ठीक है, ये तो ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या लिखा है, ये लोग मेड इन चाइना है। और देखो, कोई भी HDMI केबल है, मार्केट में अलग अलग रेंज में आते हैं, 100 रुपीज़, 200 रुपया, 500, 1000 तक भी आ जाते हैं, 1000, 5000। और बेसिकली आप कितना भी हाई क्वालिटी का यूज़ करो, लेकिन सबका सेम ही फंक्शन है और क्लैरिटी में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आप हल्का क्वालिटी का लो, छोटा लो, बड़ा लो। तो ये मैंने जो लिया है ये 180 रुपीज़ का है, 180 रुपये का है। और ये देखो, ये इसका पैकिंग निकालने के बाद अंदर ऐसा है, तो इसको हम ओपन करते हैं। ये देखिए, ये कवर, इसका कवर निकाल दें, और इसका भी हम साइड में कवर निकालते हैं, प्रोटेक्शन के लिए दिया है कवर। और ये है HDMI कॉर्ड के 2 पॉइंट्स, और ये 3 मीटर लंबा है, तो इसकी मतलब सफिशिएंट है ये। मुझे, मैं इसे टीवी और डिश टीवी का जो सेटअप बॉक्स है वो कनेक्ट करूँगा। तो हम इसका ये फंक्शन और इसका सेम ही है। अभी ये जो जुना जो वायर है, ओल्ड वाला वायर है HDMI कॉर्ड, इसको हम रिप्लेस करेंगे नए से, तो हम इसको निकाल रहे हैं। तो ये देखो, ऐसे जो कनेक्ट किया है उसको हम निकालने वाले। ये देखो, ये निकाल दिया, और वहाँ से उधर का पॉइंट निकाल दे। तो ये हम निकाल दिए, और अभी हम इसको नया वाला वायर अभी हम लगाने वाले हैं। तो चलो, हम नया वाला वायर लगाते हैं, इसका एक पॉइंट यहाँ पे लगाते हैं, एक पॉइंट यहाँ पे लगा दिया, और जो दूसरा पॉइंट हम ऊपर लगाएंगे। तो हमने ये लगा दिया, अभी हम टीवी को चालू करेंगे। तो ये टीवी चालू चालू दिख रहा है। तो ये है रहा HDMI केबल का, हमने रिप्लेस किया ओल्ड वाला, जुना नया लगा दिया। तो ये अभी दिख रहा है, और क्लैरिटी में तो कुछ फ़र्क नहीं है। तो आप महंगा वाला भी यूज़ करें या सादा वाला यूज़ करें, क्लैरिटी उतना ही रहता है। तो मेरा ये सादा वाला HDMI केबल 180 रुपीज़ का। तो ये रहा आज का वीडियो, और प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ कमेंट करें और बेल आइकन दबाएं ताकि फर्दर नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।